हेल्प करा आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए, क्या क्या जो प्रीचिंग्स थी, टीचिंग्स थी, वो अभी भी आप याद रखते हैं? ये सेंट जेवियर्स हाई स्कूल का 150 ईयर है और जेवियर स्कूल ने हमें क्या सिखाया, हर एक बालक, हर एक स्टूडेंट इक्वल है। समझना चाहूंगा जो सिमिलैरिटीज की बात करें, क्योंकि आपने फाइनेंशियल वर्ल्ड में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, केवल देश में ही नहीं विदेश में भी आपका, आपकी कंपनी का डंका बजता है, तो जो समानता है, सिमिलैरिटीज है, जो यहां से आपने सीखी और अभी जो यहां लगती है, वो आपके फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी दिखती है कि ये चीजें जो है अभी भी वैसी ही है? फाइनेंशियल वर्ल्ड ऐसा ही, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। इसमें क्या है, ऑनेस्टी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्कूल में यही सीखा है कि एवरीवन इज इक्वल, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, और सबके साथ शेयर करो, सबको केयर करो। अभी ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी होता है, इससे ही आपको जो कंपनी आगे बढ़ रही है, आपने भी अपनी कंपनी को इतना बड़ा करा, तो उसके पीछे ये भी वजह रही? हम तो ट्राई कर रहे हैं यही प्रिंसिपल फॉलो करने का, लेकिन तो भी सब स्कैंडल्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, ग्रीड चीज है जो बहुत डेंजरस है, जिसमें ग्रीड आ जाता है, वो कुछ भी करना चाहता है पैसे बनाने के लिए। सर, अभी जिस तरह से आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था और आपको बताया कि हाउसिंग फाइनेंस में दीपक पारिक ने देश के अंदर बड़ा नाम किया है और जो लाखों लोगों के जो सपने होते हैं उसको पूरा करने का काम किया, और अभी हमने देखा है कि सेक्टर्स कोई उतार चढ़ाव के तरीके से जा रहा है, तो इस पे आप क्या